नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। तो आज ये देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। ये एक छोटा सा बेसिक है कि हाथ के फिंगर के ऊपर में, उंगलियों के ऊपर में कैसे स्टिक को नचाना है, स्पिन करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 एक अच्छा सा कमेंट कर दें और लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रेड कलर का घंटा होगा, उसको बटन होगा, उसको दबाकर उसके साथ साथ ही एक घंटा होगा, घंटे को भी दबा देना है ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिंगर के ऊपर में स्लो 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 फिर रिटर्न करके हाथ मिलाना है। तो पहले ये कोशिश करना है, जब ऊपर जा रहा है तो हाथ के एल्बो को ऊपर की तरफ ऐसे, ये फिंगर को ऐसे दबाना है, एल्बो को ऊपर करना है, फिर स्लो और फिर फिंगर के ऊपर में ऐसे, फिर रिटर्न जैसे था वैसे पकड़ लियो। ये एक दिन का अभ्यास नहीं है दोस्तों, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना होगा तब जाकर ये अच्छा से होगा। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। एल्बो को ऊपर उठा कर रखना है और फिंगर को ऐसे जस्ट हल्का सा फोल्ड करके टाइट करके रखना है। एल्बो ऊपर उठा और पूरा प्रेशर देना है ताकि वो फिंगर के ऊपर में घूम कर आ जाए। एल्बो से चापते ही देखिएगा तो फिंगर के ऊपर में लेकर स्लो स्लो, पहले फिंगर के ऊपर में खेलना होगा इसको, जैसे हम लोग खेलते हैं, किसी चीज़ को एंजॉय करना होता है। अगर एंजॉय नहीं करते तो बेकार हो जाता है, तो एंजॉय करके अगर कीजिएगा, कोई भी आर्ट हो एंजॉय करके कीजिएगा तो अच्छा होगा वो। और पेशेंस रखना होगा, अगर हम सोचते हैं कि एक दिन का काम है तो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए आपको रेगुलर रेगुलर अभ्यास करना होगा। देखिए एल्बो को कैसे ऊपर किया और नीचे की तरफ ऐसे चापना है, चापने के बाद स्लो 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 फिंगर के ऊपर में घुमाना है, फिर ऐसे कलाई को फिंगर के ऊपर में स्लो, हाँ ऐसे, फिर जैसे था वैसे पकड़ लिया, ऐसे घुमाना है। कोई भी चीज़ है, एक तपस्या होती है, आर्ट कोई भी हो एक तपस्या है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे वो सफल मिलता है उसमें। लेकिन उसमें मन शांत करके पेशेंस रख के फिर करते रहना होना करते रहना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। जब भी एल्बो ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे बॉल को जैसे फेंकते हैं वैसे नीचे की तरफ ऐसे टानना है, फिर फिंगर के ऊपर में घुमाकर रिटर्न लाना है। जब आप इसके साथ में रेगुलर खेलने लगेंगे तो इजी हो जाएगा आपका। और ध्यान रहे, अगर स्लो स्लो नहीं किए तो आपको चोट भी लग सकता है, और ये एकदम बेसिक चीज़ है जो आपको करना है। तो एडवांस में आपको जब ये करके रखेंगे तो एडवांस में आगे जाकर आपको काम आएगा, तो बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक में कर लेना चाहिए, क्योंकि घर का जब तक नीचे का पिलर अगर स्ट्रांग ना हो तो घर की छतें स्ट्रांग नहीं हो सकती हैं, भीत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से है कलाई को रोल करके, कलाई दाएं बाएं घुमाना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे करके जा रहा है ये फिंगर के ऊपर में 1 2 ऐसे स्लो स्लो करके घुमाना है, सभी फिंगर के ऊपर में आएगा और फिर जैसे था वैसे वापस। ज़रूरी भी है, अगर स्लो स्लो आप करते हैं तो ये बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर। और दोस्तों ये एक दिन का काम नहीं है और एक दिन से होने भी वाला नहीं है। स्टिक को लीजिए और घुमाकर बहुत अच्छे से, खेलने
खेलना है जैसे खेलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो फिंगर के ऊपर में घुमाने का। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें आपका प्यार मिलते रहे और हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलते मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।